नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में राजधानी पटना की ट्रांसजेंडर मोनिका दास को पीठासीन पदाधिकारी बनाया जाएगा। ऐसा पहली बार है कि देश में किसी ट्रांसजेंडर को चुनाव के लिए पीठासीन पदाधिकारी बनाया जाएगा। मोनिका देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर है, वो अभी केनरा बैंक में कार्यरत है। बता दें, मोनिका दास पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर एक बूथ की पूरी जिम्मेदारी संभालेगी। इसमें मतदान कराने से लेकर मॉनिटरिंग तक करना होगा। कुछ समय पहले मोनिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो 3 साल की थी तब पड़ोसियों को उनके ट्रांसजेंडर होने की जानकारी हुई। वे थोड़ी बड़ी हुई तो इस वजह से कोई उनसे दोस्ती नहीं करता था। मोनिका के पिता ने उनका नाम गोपाल रखा था। वे अपने स्कूल में सबसे अलग थलग रहती थी, क्लासमेट ताने देते थे जिससे वे बहुत आहत होती थी। हालांकि इन सब के बावजूद मोनिका ने आत्मविश्वास कायम रखा और अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए रखा। बाद में उन्होंने अपनी ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के साथ ही जीने का फैसला किया। बता दें, मोनिका ने पटना लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री ली है। उनके पिता सेलटेक्स ऑफिसर थे जबकि माँ BSNL की रिटायर्ड एम्प्लॉय। बता दें कि मोनिका के 2 भाई बैंक में है और 2 प्राइवेट नौकरी करते हैं और आज पूरे परिवार को उन पर गर्व है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।